subscribe now and press the bell icon. भरवा मिर्च की कढ़ी की सामग्री में हमें चाहिए राई, हमने ले ली है, थोड़ा सा जीरा है, हींग है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। यहाँ पर मैंने शक्कर ले ली है, हरा धनिया है, यहाँ पर दो तीन मैंने सूखे लाल मिर्ची है और दो तेज पत्ता ले ली है, और लहसुन को मैंने यहाँ पर ऐसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और कड़ी पत्ता मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने 7-8 लाल मिर्च ले ली है इस तरह से बड़ी वाली, और इस तरह से मैंने कट लगा कर इसमें सारे बीज और नसें निकाल दी है ताकि हम इसमें अपना स्टफिंग ऐड कर सके। और यहाँ पर मैंने आधा बड़ा बाउल बेसन ले लिया है और एक बड़ा बाउल हमने यहाँ पर छाछ ले ली है। अब हम अपने मिर्चों को स्टफ कर लेंगे। पहले हम अपने मिर्चों को स्टफ कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 7-8 हरी वाली मिर्चें ले ली है, उसको इस तरह से कट लगाकर इसमें से सारी नसें और बीजें निकाल दिए हैं, और इसमें हम अपना मसाला भरेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल जितना बेसन ले लिया है, उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हरा धनिया ऐड करेंगे, और शक्कर, शक्कर आप अपने पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम उसमें जरूरत के अनुसार ऑयल ऐड करेंगे और अपने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके जितनी मिर्ची हो उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। जो बाकी बेसन बचेगा वो हम उसको बाद में अपने छाछ के घोल को यूज कर लेंगे। बाकी बच्चा बेसन हम अपने छाछ के घोल में यूज करेंगे। अभी थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से बेसन को ऑयल में मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है ऑयल में। अब हम इस मसाले को अपने मिर्ची में स्टफ कर लेंगे। थोड़ी जगह बचा के रखेंगे ताकि हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो वो बेसन फूल जाता है, इस तरह से थोड़ा बचा के रखेंगे। इस तरह से हम सारी मिर्ची को मसाले से भर देते हैं, थोड़ी जगह बचा के रखना है। यहाँ पर मिर्ची में से मैंने सारी नसें और बीजें निकाल दी है ताकि मिर्ची हमें ज़्यादा तीखी ना लगे। इस तरह से हम सारी मिर्ची को स्टफ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी मिर्ची को मसाले से भर दिया है। अब जो हमारा बाकी बचा मसाला है वो उसे हम अपने छाछ में ऐड कर देंगे। इस तरह से, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। छाछ में अच्छे से घुल जाना चाहिए हमारा मसाला। आप चाहे तो ब्लेंडर भी चला सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस मसाले को। हम आप देख सकते हैं कि हमने अपने बेसन को मसाला बेसन था वो हमने छाछ में अच्छे से घोल लिया है। अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं।
अब हम अपनी मिर्ची को ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। अब हम अपनी मिर्ची को ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेते हैं। 2-3 चम्मच ऑयल लिया हमने। हमें अपनी सिर्फ मिर्चों को पकाना है ऑयल में। इस तरह से हमने अपनी सारी मिर्चों को रख देंगे। इस तरह से हम धीमी आंच पर अपनी मिर्चों को पका लेंगे। कढ़ाई के ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा के हम अपनी मिर्चों को पका लेते हैं ताकि हमारा बेसन अच्छे से अंदर से पक जाए। हम मिर्चियों को बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि मिर्चियाँ गले ना। इस तरह से हम पलट देते हैं अपनी मिर्चियों को। और वापस से ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 1 मिनट बाद हम अपनी मिर्चों को देख लेते हैं। एक मिनट बाद हमारी मिर्ची अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मिर्ची बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनी है। आप इसे रोटी के साथ, भाखरी के साथ और लंच और डिनर में ऐसे भी खा सकते हो और बहुत ही बढ़िया लगेगी टेस्ट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तब हम उसमें राई ऐड करेंगे। जब राई क्रैकल हो जाए तब हम उसमें जीरा ऐड करेंगे। तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्ची ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। सूखी लहसुन और थोड़ी सी हींग। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच जितनी यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। अब हम अपनी छाछ का बैटर ऐड कर लेते हैं। अब हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमने नमक मसाले में भी ऐड किया था इसलिए नाप के ऐड करेंगे। और थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। जितना आपको खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आप लाल मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। आप अदरक और मिर्ची का भी पेस्ट ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखी पसंद हो तो। अब हम इसे धीमी आंच पर 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं। अब हमारी कढ़ी अच्छे से पक चुकी है।
अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद ना हो तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह की थिकनेस वाली कढ़ी बना रही हूँ। अगर आपको पतली पसंद हो तो आप पतली भी बना सकते हैं, उसमें आपको पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। अब हम उसमें अपनी मिर्चों को ऐड कर लेते हैं। इस तरह से मिर्चियों को ऐड करने के बाद 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब हमारी कढ़ी, भरवा मिर्च की कढ़ी बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।